चलेन जो इस फिजियल इस की हम बात करें थे अच्छा मैंने ये चीज़ भी मेंशन करनी थी हमना ने ग्रुप में बात कर ही ली कि हर चीज़ नहीं याद करनी होती अगर आपको बुक में एक एक लफज याद करने लग जाओगे ना तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी याद नहीं रहेंगी और आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो जो इंसान हर चीज़ याद करते हैं ना उसकी तैयारी अच्छी नहीं होती उस तैयारी उसकी अच्छी होती है जिसको इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी आती हो और जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें ना उनकी नाव हो वह अच्छा ठीक है इसमें चल क्या रहा है मुझे पता है इसमें चल क्या रहा है ठीक है तो कभी भी ये नहीं करना कि मुझे एक एक लाइन है हमेशा ये देखना कि इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है? पेपर में पूछा क्या रहता है वो चीजें मुझे सारी आती हो चलेन जो ऐसे फीजर क्लेफ्ट की बात करते हैं इसमें सिंपली क्या होता है कि क्लेफ्ट एक रास्ता बन जाता है और फिगर के दमियान ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जो रिकॉर्ड लेमिना है ना उनकी फ्यूजन नहीं हुई फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ रिकॉइड लेमिना असल में ना जो रिकॉर्ड है मैंने कहा कि रिंग शेप्ड होता है उसके आगे लेमिना होते हैं पीछे एक आर्ट सी बननी होती है लेमिना ने पीछे आके फ्यूज होना तो जब लेमिना पीछे आके फ्यूज नहीं होते तो वहां पे एक रास्ता बन जाता है

अभी जब हमने बात की ना सब आ, सब लोटिक हीम एंड की तो आपने अभी मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताने लगी हूँ जो सब्लोटिक हीम एंड की बात की थी ना मैं बल्कि उसी साइड पे वापस चलती हूँ उसमें मैंने कहा था कि बिलो वोकल कॉर्ड आपको एक स्वेलिंग मिलेगी और वो स्वेलिंग का कलर भी बताया था ये देखें और दिखाई भी थी आपको रेडिश ब्लू मैस मिलेगा बिलो वोकल कोड ये लाइन आप लिख लें बुक पे बल्कि लिखने की जरूरत नहीं है सारी ढिंगरा की लाइन पे लिखा हुआ है कि रेडिश ब्लू मैस होगा बिलो वोकल ठीक है किसमेंटिकोमा में और अब जो सिस्ट बनी है ना लेरेंजियल सिस्ट बनेगी वो कहां पर बनेगी वो बन रही है ब्लूइश फ्लूइड फिल स्मूथ स्वेलिंग इन ग्लोटिक लैरिंग्स ठीक है सुप्राग्लॉटिक लैरिंग्स में बन रही है नो डाउट आपका वोकल कोड वाले एरिया में बन रही है लेकिन ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि नीचे बनी हो ये ऊपर ही आपको नजर आ जाएगी और ये बहुत ज्यादा ना बड़ी स्वेलिंग होगी स्मूथ सी स्वेलिंग होगी चले उसके बाद इसकी साइड क्या होगी एरिग्लोटिक फोल्ड्स तो ये साइड आपने याद रखनी है जो हिम एंड ज्योमा वो आपको वोकल कॉर्ड के नीचे स्पेलिंग मिलेगी और जो सिस्ट है ये भी सुपराग्लोटिस रीजन में होता है लेकिन इसकी साइड के इसकी साइड है एरोएपिगिग्लोटिक फोल्ड ठीक है और ये इस तरह से काफी बड़ी स्मूथ सी स्पेलिंग होगी तो अब आपको ये नहीं है कि आपको इतना ज्यादा इनका मेन डिफरेंस पता है बस आपको ये याद रखना है कि स्मूथ स्पेलिंग है एरएपिग्लोटिक फोल्ड पे स्वेलिंग बन रही है और जो हिम एन्यूमा था ये वोकल कॉर्ड के नीचे बन रही है बिलो वोकल कॉर्ड बन रही है इसमें स्टाइडर डिस्निया होता है लनजियल सिस्ट में सिस्ट को ट्रीट कैसे करना है क्वेस्ट करना है अच्छा देखिए सिस्ट का ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है आपने उसको या एस्पायर कर लेना है या आपने उसको इन करके ड्रेन कर लेना है सिंपली ठीक है या आपको कार्बन डाइऑक्ड लेजर यूज करनी है हमने लेरेंजल वेब में कार्बन डाइक्ट लेजर यूज की ठीक है हमने कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड लेजर वहां पर यूज करते हैं ना आप चीजों को थोड़ा सा आप समझ लेंगे काटना हो है ना तो हमने लेरेंजल वेब में यूज की अब हमने यहां पर भी लेरेंजल सिस्ट में भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करना है ओके okay, अब हम स्टाइडर की तरफ जाने लगे स्टाइडर में जो चीज आपसे बार बार पूछी जाती है वो सिर्फ इसके कॉजेज हैं इसकी लिए टेलॉजी है जो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे इसके टाइप्स भी देखनी है इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी बाय फिजिक इंस्पायरेटरी होता तो है जो सिर्फ इंस्पायरेशन के दौरान आपको स्टाइडर होता है सिर्फ इंस्पायरेशन के दौरान आवाज़ आती है सांस लेने की एक्सपायरेट्री में सिर्फ एक्सपायरेन के दौरान बाय फिजिक में दोनों फेजेस में आएगी अच्छा इंस्पायरेटरी स्टाइड किस किस केस में होता है अगर कोई या सुप्राग्लिक का या फेर लगे नो तब इंसायरेटर होता है जब ना थोरेसिक रीजन में प्राइमरीटरी स्टाइड होगा और अगर सुप्राग्लोट मतलब कितना ऊपर है सुप्राग्लोटिस में तो इंस्पायरेटरी होगा अब आपने जितनी चीजें पढ़ी थी उनमें ज्यादातर इंस्पायरेटरी स्टाइडर था क्योंकि हम ज्यादातर अब तक जो चीजें पढ़े वो सुप्राग्लोटिक रीजन की पढ़े और एक्सपायरेटरी होगा जब होगा बाईफिजिक होगा जब ग्लोटिस का सब ग्लोट का या सर्वाइकल ट्रेकिया का तो ये आपको अगर याद होता है तो कर लें अगर नहीं भी याद होता है, तो मसले की बात नहीं आपको मेनली ये चीजें आनी चाहिए ये कॉजेज स्ट्राइडर के कुछ कंजेटल है कुछ है अक्वाडाजेटल में जितनी आपको है ना अब तो पढ़ाया ना, सारे वो है। क्योंकि उन सब स्ट्राइडर होता पैरालिसिस सारी चीजें वही हैं अक्वाइड में कुछ है, कुछ ए फेब्राइल है, फेब्राइल हैं जिनमें फीवर होगा साथ ए फेब्राइल में फीवर नहीं होगा तो अब किन चीजों में फीवर होता है जिसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो हमें पता है तो अब इन्फ्लेमेशन एपिग्लोटाइटिस में स्टाइडर होगा और साथ फीवर होगा ट्रेकाइटिस यानी जिसको हम क्रोप भी कहते हैं डिफेरिया मोनोन्यूक्लियोसिस मोनो एब्सेस और

अच्छा मैनेजमेंट इसकी कैसे करनी है कोई पेशेंट आपके पास आया कि मैं जब सांस लेता ना तो मेरी बहुत ज्यादा आवाज आती है उसको मैनेज कैसे करना है सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेनी है क्योंकि हमें नहीं पता उसको ये स्टाइडर क्यों है स्टाइडर कोई एक रीजन से नहीं हो रहा कि हम फॉरन डायग्नोसिस बना दें ये तो कोई बीस से ज्यादा इसके कॉजेज हो सकते हैं तो हमने पहले कॉज की तरफ जाना है हमने डीडीज की तरफ जाना है तो हम उसकी हिस्ट्री लेंगे हिस्ट्री में उसको ऑनसेट पूछेंगे प्रोग्रेशन पूछेंगे ड्यूरेशन रिलेशन टू फीडिंग साइनोटिक स्पेल अस्पायरेशन या इंजेक्शन कोई फॉरन बॉडी की तो नहीं हो गई थी लरेंजल ट्रोमा तो नहीं कोई हुआ था ये सारे क्वेश्चंस आपने करने इनको एज इट इज रट्टा मार ले अच्छे से कि स्टार्टर की हिस्ट्री कैसे लेनी है आपको चाहे सब कुछ भूल जाए आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि स्टार्टर की हिस्ट्री कैसे लेनी है ऑन सेट इसका कोई न्यूमोनिक बनाने चाहिए अगर बनाए तो मुझे भी बताइएगा ऑन सेट प्रोग्रेशन ड्यूरेशन रिलेशन टू फीडिंग साइनोटिक स्पेल स्पायरेज ट्रोमा ठीक है ये सारी हिस्ट्री के क्वेश्चन है अच्छा नेक्स्ट साल आता था, था फिजिकल एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको सबसे पहले तो साइंस

ऐसा क्यों करा? इतनी सारी उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों कराए क्योंकि स्ट्राइडर के बहुत क्यों हमने उसका एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू नेक भी करा लिया फ्लोरोस्कोपी हमने नेक और चेस्ट दोनों का सिटी भी करा लेना इसी ये सारी हमने इतने सारे टेस्ट हमें करवाने पड़ेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ डायग्नोसिस ठीक है चले अब मैनेजमेंट कैसे करना है मैनेजमेंट ही बल्कि हम पढ़े हैं आगे क्या करना है उसका एग्जामिनेशन ऑफ नोस करना है एग्जामिनेशन ऑफ फरेंस करना है डायरेक्ट एंडोस्कॉपी करनी है पेन एंडोस्कोपी करनी है तो ये सारी चीजें जो है हमें करनी पड़ी है स्टाइडर में और एंड पता क्या करना है एड एंड आपने ये लाइन लिख देनी है कि अब जो डायग्नोसिस बनेगा ना अकॉर्डिंग टू इट हमने ट्रीटमेंट करना है जो भी इतना सारा कुछ करने के बाद डायग्नोसिस बनेगा उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है तो आपने मैनेजमेंट में क्या चीजें लिखनी है हिस्ट्री के क्वेश्चंस उसकी जो इतनी सारी आपको एग्जामिनेशन की चीजें बताई है कि नोज का एग्जामिनेशन करो फैक्स का करो लेरेंजोस्कॉपी करो एंडोस्कोपी करो ठीक है और उसको आपको ये ये वाली चीजें मिलेंगी फीवर वीज ये सारा कुछ एग्जामिनेशन में लिख देना है इन्वेस्टिगेशन में सारी लिस्ट लिख देनी है और नीचे भी मैंशन कर देना है कि ट्रीटमेंट करना है डिपेंडिंग अपॉन द कॉज ठीक है तो ये सारा स्टॉइडर के कॉजे और स्ट्राइडर का मैनेजमेंट ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद करना है कॉजिस तो बहुत आसान है ना कंजेंटल में जितने आपको कंजेंटल एय बताया वो आएंगे अक्वाइड में जितने ए फिब्राइल हैं उसमें तो थो थोड़े मुश्किल हो सकती है कि पैपिलोमाटोसिस है एडिमा है या कोई ट्रोमा है ठीक है बस या कोई फॉरन बॉडी है और जो फिब्राइल है जो फीवर की वजह से वो पे ग्लोटाइटिस है वो क्विंसी है वो जो है वो हैजिल कोई एप्सिस है वो लेंजोट्रेकाइटस है ठीक है तो वो सारी है इन्फ्लेमेशन वाली